सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता, एक इंतकामी दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता, सुलगती हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। शनि पर टूटते नागिन रूपमती के इंतकाम के कहर को कौन रोक सकता है? शनि की जिंदगी को तहस नहस करने का इरादा है नागिन रूपमती का। नतीजा, शनि का बेतहाशा भागना, रूपमती का पीछा करना, शनि का लड़खड़ाना, गिरना, नागिन को देखकर भयभीत होना, रूपमती नागिन का औरत के रूप में अचानक तब्दील होना, शनि का देखना और सन्न रह जाना। रुक जाओ, मेरे इंतकाम का तुम आखिरी निशाना हो। बजाय अपने मणि के बगैर जीवित रह सकते, अगर तुमने मणि मेरे हवाले नहीं की तो तुम अपने साथियों से भी ज्यादा दर्दनाक मौत के हकदार हो गए। शातिर शनि मणि का फिर से हुआ हकदार और रूपमती को बनाया एक खौफनाक हादसे का शिकार। इस दर्द भरी दास्तान को सुनकर रूपमती से देवा और बादल उठाते हैं ये पेचीदा सवाल। तो तुमने अब तक शनि से बदला क्यों नहीं लिया? बताओ रूपमती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब तक नाकाम क्यों रही। तुम मेरी नाकामयाबी का सबक जानना चाहते हो? देखो, रूपमती अपनी नाकामयाबी की वजह का तब करती है खुलासा। शनि की वजह से मेरी दोनों टांगें लाचार हो चुकी है। और फिर देवा ने ज्वाला और शनि के मुताल्लिक उठाया ये अगला सवाल। आखिर क्या ताल्लुक है शनि से ज्वाला का? हकीकत ये है कि शनि ज्वाला का पति है। और ज्वाला देवा और बादल की तसल्ली के लिए अपने हैबतनाक विश्वासघात और जिल्लत भरी दास्तान से उनकी करवाती है मुलाकात। फिर बादल ने उठाया अगला पेचीदा सवाल। लेकिन वो जज्बाती सभ्य ज्वाला कैसे बनी? जानना चाहते हो तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत हुई है चुनार भीड़ की बहुत गंगा की लहरों से। गंगा की गोद से मछुआरों को बरामद हुई शव्या। शव्या और नागिन रूपमती का रूहानी बंधन देखकर मछुआरों की हुई ये प्रतिक्रिया। उठावा, उठावा, दूर फेंका। मछुआरों का शव्या के जिस्म से रूपमती का जुदा करना और फिर करना ये नेक फैसला। लाश के एकर अंतिम संस्कार हो के चाहिए, ना तो एकर आत्मा भटक रह जाई। बोला हो भोलेनाथ। आंधी और तूफान, हम सब मर जाए भी तूफान में, चला थोड़ा भागा। और इस तरह फिर से शव्या के दाह संस्कार का अधूरा रह जाना, नागिन रूपमती का इस करुण दृश्य को देखना, फैसला करना और आगे बढ़ना। लगता है किस्मत ने तेरी और मेरी बदनसीबी की कहानी वक्त के एक ही पन्ने में दर्ज की है। नहीं तो इस तरह पानी की सतह के नीचे हमारे भाग्य का गठबंधन आखिर होता ही। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगी। अचानक शव्या को जिंदा देखकर रूपमती का सन्न रह जाना। ये तो जीवित है। फौरन रूपमती शव्या की जिंदगी की करती है सुरक्षा, अपनी जिंदगी को डालकर जोखिम में। इत्तेफाक से गंगा से शुरू हुए शव्या और रूपमती के अटूट रूहानी बंधन का मकसद भी एक है, वो है शनि से लेना इंतकाम। कितना विलक्षण इत्तेफाक है, हमारे भाग्यों का गठबंधन एक है, हमारा दुश्मन एक है और हम दोनों की इंतकाम का निशाना भी एक है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वो मड़ी शनि से छीन कर तुम्हें वापस ला दूंगी। और ये मेरी खुद को प्रतिज्ञा है कि शनि के खून से मैं एक बार फिर अपनी मांग भरूंगी। जो आतिशी इंतकाम तुम्हें लेना है उसके लिए ये नाजुक हाथ नहीं, फौलादी हाथ चाहिए। इतने बड़े और खूंखार इंतकाम के लिए तुम्हें ताकत चाहिए, वफादार साथी चाहिए और धन दौलत चाहिए। मैं इस इंतकाम को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी, ये मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो फिर शव्या, आज से तुम नाजुक चिंगारी से बदल जाओ धधकती ज्वाला में। मैं तुम्हें नया नाम देती हूँ, आज से तुम शव्या नहीं ज्वाला हो, ज्वाला। इससे पहले कि ये चिंगारी ज्वाला बन जाए और इन दोनों का गठबंधन मेरी तमन्नाओं और इरादों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाए, इसे ध्वस्त करना ही होगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अब एक ही रास्ता है और वो है महाकाल। और फिर Ah!
महाकाल। महाकाल, जमुना तुम? हाँ मैं। मेरी जिंदगी और मेरे इरादों को अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? महाकाल, कौन सी ऐसी आफत है जो तुम्हें महाकाल के चौखट पे ले आई? महाकाल, मेरे तो सारे सपने और इरादे चकनाचूर हो गए हैं। बहुत मुश्किल से रूपमती का भरोसा और नजदीकी हासिल की है मैंने, और मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। क्या चाहती हो तुम मुझसे? महाकाल, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? ये एक अड़चन है जिसे काट कर फेंक देना है। वो कौन सी अड़चन है जो तुझे महाकाल तक ले आई? वो एक औरत है। औरत? समझने की कोशिश करो महाकाल, ये मेरे लिए नाउम्मीदी और संकट की घड़ी है। इसमें ना संकट है और ना ही नाउम्मीदी। है महाकाल, है। ये औरत मेरी तमाम उम्मीद और तमन्नाओं को एक तिनके की तरफ बहा ले जाएगी। महाकाल, मुझे दौलत चाहिए, और दौलत के साथ साथ रूपमती की विरासत जिसकी मैं ही वारिस हूँ। जौकर। लेकिन इसी बीच खड़ी हुई है एक आफत। जौकर। हाँ महाकाल, हाँ महाकाल, न जाने उस शव्या उस ज्वाला ने क्या जादू कर दिया है रूपमती पर। जादू? औरत पर औरत का जादू? हाँ हाँ महाकाल, हाँ। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रूपमती उस ज्वाला को ही अपनी बेशुमार दौलत और ओहदे का हकदार बनाएगी। तो तुम चाहती हो महाकाल से? उस ज्वाला को मेरे और रूपमती के बीच से हटाना होगा। मतलब? मतलब यही, उस ज्वाला को तुम्हें खत्म करना होगा। शीशे के सामने पत्थर, औरत के सामने महाकाल? नहीं, महाकाल ऐसे मामूली काम नहीं करता। लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी महाकाल। कितना माल? रूपमती की बेशुमार दौलत का आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तुम्हारा। बोलो, है मंजूर? अगर रूपमती की दौलत का आधा हिस्सा मेरा होगा तो मुझे मंजूर है। बताओ उस ज्वाला का ठिकाना। वो इस वक्त माँ दुर्गा के मंदिर में होगी। चौकस। वो हर रोज शाम को इस वक्त दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करने जाती है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी सपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। अगर रूपमती की दौलत का आधा हिस्सा मेरा होगा तो मुझे मंजूर है। बताओ उस ज्वाला का ठिकाना। वो इस वक्त माँ दुर्गा के मंदिर में होगी। चौकस। वो हर रोज शाम को इस वक्त दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करने जाती है। Thank you.
पहले। कौन सा रास्ता है ये? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ज्वाला कहाँ है? मंदिर गई होगी। वो एक पल के लिए भी मेरी पलकों से ओझल हो जाती है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। वो भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती है रूपमती। जमुना, ये मेरा और ज्वाला का एक अलौकिक बंधन है जो शायद तुम नहीं समझ सकती। जितना मुझे समझना चाहिए उतना मैं जरूर समझ गई हूँ रूपमती। न जाने क्यों इस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। पालकी रोको, मैं कहती हूँ पालकी रोको, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं कहती हूँ पालकी रोको, रोको पालकी, रोको। ये कैसी दस्तक हुई है मेरे दिल पर? दिल पर दस्तक? ये मेरी कामयाबी की दस्तक है जिसे तुम नहीं समझ सकोगी रूपमती। हाँ जमुना, किसी मजबूर की आवाज की दस्तक। ऐसा लग रहा है जैसे ज्वाला पर किसी अमंगल का ग्रहण लगा है। अमंगल का ग्रहण? ये अमंगल का ग्रहण नहीं, मेरे सुमंगल की रोशनी है। ये जरूर किसी अमंगल का ग्रहण है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं रूपमती, ज्वाला पर तो देवी माँ का खास आशीर्वाद है। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? निसंदेह ज्वाला पर विपत्ति टूट पड़ी है। तुम फौरन मंदिर जाओ क्योंकि ज्वाला की चिंता से मैं बेहद विचलित हो रही हूँ। हाँ, चिंता तो अब मुझे भी हो रही है रूपमती। आखिर ज्वाला ने मंदिर से लौटने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम वक्त बर्बाद मत करो जमुना, जाओ उसे फौरन लेकर आओ, जाओ। कितनी नाजुक कली है ये, और तुमने इसे जमीन पर पटक दिया। ना ना ना, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ। डरो मत, मुझसे डरो मत। कौन हो तुम और तुमने इस तरह मेरा अपहरण क्यों किया है? अपहरण? अपहरण? अगर मैं तुम्हारा अपहरण न करवाता तो तुम मेरे हाथ कैसे आती? बोलो। तुम मुझे शराफत से छोड़ दो। जाओ कैस, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर तुमने मुझे इस वक्त नहीं छोड़ा शराफत से तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जाओ कैस। तुमने हमें गलत समझा। गलत समझा है तो छोड़ दो मुझे। ये बेहुदा स्वरूप की वजह क्या है? वजह है रूपमती। रूपमती से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी नहीं, दोस्ती। ये तो कोई वजह नहीं हुई। यही वजह है क्योंकि रूपमती तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगी है, और तुम भी जरूरत से ज्यादा उसे चाहने लगी हो, है ना? ये तो कोई वजह नहीं हुई। वजह है। जिससे तुम्हारी दोस्ती है ना, उससे हमारी दुश्मनी है। ये क्या बेहुदा हरकत है? छोड़ दो मुझे। अगर यहाँ किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं एक एक को देख लूंगी। हाँ। होश में आ, तू जानते नहीं ये काल नहीं महाकाल है, तेरी एक एक गोटी काट कर फेंक देंगे। चौकस मनोहर, ऐसी गुस्ताखी नहीं करते, छोड़ो से।
ये गुल बदन, ये नाजुक बदन, मासूम कली है रे, है ना जगदार? हाँ सरदार, मासूम है, बहुत मासूम है। ऐसी मासूम कली पे कोई जुल्म नहीं करता। मुझे जाने दो। जाना चाहती हो? जाओ, तुम ही जाओ, जा जा जाओ। अभी तक ज्वाला का कुछ पता नहीं और ना ही जमुना का। रूपवती, रूपवती, क्या हुआ? ज्वाला कहाँ है? मैंने उसे बहुत तलाशा, बहुत तलाशा, लेकिन लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली तो क्या ज्वाला को धरती निगल गई या आसमान उड़ा ले गया? रूपवती, ये चिंता की बात तो है ही। मेरी लाचारी इस वक्त ज्वाला की बदनसीबी बन रही है। इस मुसीबत से हमें सिर्फ देवा ही बचा सकता है। जाओ, ये संदेश देवा को पहुंचाओ। वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी। रूपवती, मुझे अपना हिसाब पूरा करना है। कैसा हिसाब? रूपमती का हिसाब अब तुम्हारे जरिए पूरा होगा। लेकिन मेरी गिरफ्तारी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब है मुझे अपना हिसाब पूरा करना है। कैसा हिसाब? रूपमती का हिसाब अब तुम्हारे जरिए पूरा होगा। लेकिन ज्वाला ने उस महाकाल का मुकाबला किया कैसे? ज्वाला, तुमने महाकाल के नापाक इरादों से अपनी रक्षा कैसे की? ये एक दर्दनाक दास्तां है जिसकी शुरुआत हुई महाकाल के वैश्य और बेबस कारनामों से और जाकर